दोस्तों आपने कई एलियंस कई जॉम्बीज की कहानी देखी होगी, लेकिन मैं जिस आज कोरियन ड्रामा के बारे में बात कर रहा हूँ, आप जब इस कोरियन ड्रामा को देखिएगा तो आपको भी लगेगा अरे यार ये क्या बना दिया है दोस्तों, ना जॉम्बी ना एलियन, उन सब से हट के बनाने की कोशिश की गई है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम आपको ऐसे नई नई फिल्मों कोरियन ड्रामा के बारे में अपडेट करते रहे। दोस्तों मैं जिस कोरियन ड्रामा के बारे में इस वीडियो में बात कर रहा हूं उसका नाम है पैरासाइट दी ग्रे। दोस्तों ना जॉम्बीज ना एलियन, उन सबसे हट के इसे बनाया गया है और इसके लगभग 6 पार्ट बने हैं। दोस्तों एक कॉमिक से आइडिया लेकर इस कोरियन ड्रामा पैरासाइट दी ग्रे को बनाया गया है और लगभग 90% आइडिया कॉमिक से लिया गया है। दोस्तों एक लड़का और दो लड़की के इर्द गिर्द इसकी कहानी घूमती है। अंतरिक्ष से कुछ परजीवी धरती पर आ जाते हैं और वो इंसानों के कान से नाक से घुस जाते हैं और जब वो इंसान दूसरे इंसान को काटता है तब उसका हाल भी यही हो जाता है। दोस्तों जम सुई नाम की एक लड़की होती है, इसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती है और वही सोल कंगवू नाम का एक लड़का होता है जो अपनी गुमशुदा बहन को खोजता है और उसे पता चलता है कि उसकी गुमशुदा बहन कुछ परजीवियों से मिल गई है। अब वही चोई जंग क्यू नाम की एक लड़की रहती है जो पैरासाइट टीम की लीडर रहती है। उसका मकसद होता है इन परजीवियों का खात्मा करना, क्योंकि उस लड़की का हस्बैंड को मतलब उन परजीवियों ने मारा था और उसे मतलब ये लड़की जो है इन परजीवियों को खात्मा करके इन्हें धरती से मिटाना चाहती है। और जो एक लड़का लड़की जो पहले रहते हैं वो इस लड़की के साथ मिल जाते हैं और ये तीनों निकल पड़ते हैं इन परजीवियों का खात्मा करने के लिए। उसके बाद इन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किन किन मुसीबतों से इन्हें लड़ना पड़ता है, ये परजीवी ना इंसान है ना परजीवी है, आखिर ये है क्या, बड़ा अजीब टाइप का बनाया गया है। और काफ़ी आप देखिएगा तो आपको लगेगा कुछ कुछ थोड़ा मिसिंग टाइप का आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा मतलब डेंजर टाइप का आप इसको कह सकते हैं, ना एलियन ना जॉम्बी। और अगर आपने इस पैरासाइट दी ग्रे को पहले देख लिया है तो आप जरूर बताइएगा आपकी आपको कैसा लगा। दोस्तों वो चलते चलिए मिलते हैं वीडियो में आगे, तब तक के लिए नमस्कार।